हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल अपना इंश्योरेंस वाला। हेलो फ्रेंड्स, LIC ने इस साल के अंत में एक बेहतरीन प्लान जिसका नाम है धन रेखा टेबल नंबर 863 को लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को आखिरी तक देखें। इस वीडियो में मैं आपको धन रेखा टेबल नंबर 863 प्लान के बारे में डिटेल में बताऊंगी और लास्ट में आपको मैं दो एग्जांपल देके भी समझाऊंगी ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। कहीं कोई इम्पॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में बने बेल को जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। LIC का ये नया प्लान धन रेखा टेबल नंबर 863 13 दिसंबर 2021 से मिलने लगा है। कोरोना काल के बाद सभी इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने नए नए प्लान लॉन्च किए हैं। इसी क्रम में देश के बड़ी कंपनीज इंश्योरेंस कंपनीज लाइक LIC ने भी अपना प्लान लॉन्च किया है धन रेखा, जो LIC के पुराने प्लान से बिल्कुल अलग है। इसके अलग होने के भी कई सारे कारण हैं। LIC का ये प्लान नॉन लिंक, नॉन पार्टिसिपेटिंग और गारंटेड एडिशन वाला प्लान है। नॉन लिंक का मतलब होता है कि ये प्लान शेयर मार्केट पर निर्भर नहीं करता है। शेयर मार्केट के अप एंड डाउन का इस प्लान के रिटर्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब है इस प्लान में आपको बोनस नहीं मिलता है। LIC की फाइनेंशियल कंडीशन, एली परफॉर्मेंस कैसा भी हो, आपको गारंटेड रिटर्न मिलता ही मिलता है। गारंटेड एडिशन प्लान का मतलब है कि इस प्लान में बोनस की जगह आपको गारंटेड रिटर्न मिलता है, जो कि प्लान लेते समय ही फिक्स होता है। बोनस साल के अंत में डिक्लेयर होता है, तो LIC के साल भर के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, इसलिए कम ज़्यादा भी हो सकता है। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आपको मिलने वाला रिटर्न हमेशा इसमें फिक्स होता है। अब बात आती है प्लान की पूरी डिटेल की। सबसे पहले बात है एलिजिबिलिटी, यानी कौन ये प्लान ले सकता है, कौन ये प्लान नहीं ले सकता है। ये पॉलिसी 3 ऑप्शन में अवेलेबल है, उसी हिसाब से अलग अलग एलिजिबिलिटी है। ऑप्शन 1 में पॉलिसी पीरियड 20 साल का है, ऑप्शन 2 में पॉलिसी पीरियड 30 साल का है और ऑप्शन 3 में पॉलिसी पीरियड 40 साल का है। ऑप्शन 1 यानी 20 साल पॉलिसी टर्म के लिए मिनिमम एज 8 साल की है। ऑप्शन 2 यानी 30 साल के पॉलिसी टर्म के लिए मिनिमम एज 3 साल की है। ऑप्शन 3 यानी पॉलिसी टर्म 40 के लिए मिनिमम एज 90 दिन की है। इसी तरह मैक्सिमम एज ऑप्शन 1 के लिए 55 ईयर है, ऑप्शन 2 के लिए मैक्सिमम एज 45 ईयर है, ऑप्शन 3 के लिए मैक्सिमम एज 35 ईयर है। मिनिमम सम एश्योर्ड तीनों ऑप्शन के लिए 2 लाख रुपीज़ है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, ये आपकी एनुअल इनकम पर निर्भर करता है। और प्रीमियम पेइंग टर्म इस प्लान में 2 ऑप्शन में बांटा गया है। पहला ऑप्शन है लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म, यानी इसमें आधे समय तक ही किस्त जमा करते हैं। जैसे कि 40 साल के टर्म में आपको 20 साल ही जमा करना है और 30 साल के टर्म में 15 साल और 20 साल के टर्म में आपको केवल 10 साल प्रीमियम जमा करना है। ऑप्शन 2 है सिंगल प्रीमियम पेइंग टर्म। इस ऑप्शन में आप सारा पैसा एक प्रीमियम के थ्रू पॉलिसी लेते समय जमा कर देते हैं। लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म में आप 4 मोड में पैसे जमा कर सकते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली। डेथ बेनिफिट क्या है? पॉलिसी धारक की अगर मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड्स का 125% मिलता है, साथ ही साथ उसे उतने साल का गारंटेड एडिशन जो भी बनता है वो मिलता है। सर्वाइवल बेनिफिट में इस पॉलिसी में सर्वाइवल बेनिफिट पॉलिसी इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने कौन सा टर्म लिया है। टर्म के हिसाब से ही इसमें आपको 2, 3 या 4 जितने भी हैं उतने मनी बैक मिलते हैं। अगर आपने 20 साल का टर्म लिया है तो आपको 10 साल के अंत में और 15 साल के अंत में सम एश्योर्ड का 10% मनी बैक के रूप में मिलता है। और अगर आपने 30 साल का टर्म लिया है तो 15 साल के अंत में, 20 साल के अंत में
और 25 साल के अंत में आपको सम एश्योर्ड का 15% मनी बैक की तरह मिलेगा। वैसे ही अगर आपने 40 साल का टर्म लिया है तो 20 साल के अंत में, 25 साल के अंत में और 30 साल के अंत में और 35वें साल के अंत में आपको सम एश्योर्ड का 20% मनी बैक की तरह मिलेगा। चलिए बात करते हैं मैच्योरिटी की। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि इस प्लान में आपको जो भी मनी बैक मिलता है वो सम एश्योर से डिडक्ट होकर नहीं मिलता है, इसलिए मैच्योरिटी पर आपको 100% सम एश्योर और गारंटेड एडिशन मिलता है। आप इस पॉलिसी पर 2 साल के बाद लोन ले सकते हैं या इसे सरेंडर भी करा सकते हैं। सरेंडर का मतलब होता है कि आप पॉलिसी को बंद करा रहे हैं। वैसे सरेंडर में ग्राहक का हमेशा नुकसान होता है, तो हम तो ये कहते हैं कि आप सरेंडर कभी मत कराइएगा। सिंगल प्रीमियम ऑप्शन में आप 3 महीने के बाद कभी भी लोन ले सकते हैं और सिंगल प्रीमियम ऑप्शन में आप अपनी पॉलिसी को कभी भी सरेंडर भी करा सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं गारंटीड एडिशन की, जो इस पॉलिसी का यूनिक पॉइंट है। तो पहले अप टू 5 ईयर्स यानी पहले 5 साल में कोई भी गारंटेड एडिशन का भुगतान नहीं किया जाता है। देन 6 to 20 ईयर्स यानी 6 साल से 20 साल तक सम एश्योर्ड के 1,000 रुपये पर आपको गारंटेड 50 रुपये मिलते हैं। फिर 21 से 30 साल तक सम एश्योर्ड के 1,000 रुपये पर आपको गारंटेड 55 रुपीज मिलते हैं। देन 31 to 40 ईयर्स यानी 31 से लेकर 40 ईयर्स तक सम एश्योर्ड के 1,000 रुपये पर आपको गारंटेड 60 रुपीज 60 रुपये मिलते हैं। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क का मतलब होता है कि आपके बीमा में रिस्क कवर कब से स्टार्ट हो रहा है। तो इस प्लान में रिस्क कवर पहले दिन से ही स्टार्ट होता है और सुसाइड केस में अगर 1 साल के अंदर सुसाइड होती है तो 80% प्रीमियम रिटर्न कर दिया जाता है और 1 साल बाद वो भी कवर हो जाता है। ये पॉलिसी आप बच्चे के लिए भी ले सकते हैं, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि रिस्क कवर कब स्टार्ट होता है। तो आपको बता दें, बच्चे के केस में 8 साल पूरे होने पर या पॉलिसी के 2 साल कंप्लीट होने पर रिस्क कवर स्टार्ट होता है। इन दोनों कंडीशन में जो पहले होगी वो अप्लाई होगी। मतलब बच्चा अगर 7 साल का है तो 1 साल बाद ही रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा। बच्चा अगर 1 साल का है तो 2 साल के बाद, मतलब बच्चा जब 3 साल का होगा तब रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए अब एक एग्जांपल के साथ इस प्लान को समझा जाए। एक मिस्टर रमेश है जिन्होंने ये प्लान 10 लाख सम एश्योर्ड का लिया है और यहाँ टर्म लिया है 30 साल का। तो उन्हें हर साल 73,342 रुपीज़ की किस्त जमा करनी होगी, वो भी सिर्फ 15 साल के लिए। 15 साल में वो टोटल 11 लाख रुपए जमा करते हैं। 15 साल के बाद उन्हें मनी बैक के रूप में 1.5 यानी 1.5 लाख रुपए मिलेगा। फिर 20 साल बाद उन्हें मनी बैक के रूप में फिर से 1.5 लाख मिलेगा और 25 साल बाद फिर से उन्हें 1.5 लाख रुपए मिलेगा। और मैच्योरिटी के टाइम पे उनको सम एश्योर्ड का 100% यानी पूरा 10 लाख रुपए मिलेगा और साथ ही में गारंटेड भी एडिशन भी मिलता है। चलिए बात करते हैं गारंटेड एडिशन की डिटेल में। 1 से 5 साल तो कोई आपको एडिशन नहीं मिलता है। 6 से 20 साल के बीच में आपको हर 1,000 रुपये 50 रुपये मल्टीप्लाई होके मिलता है, क्योंकि 6 से 20 साल का टाइम हो गया 15 साल का। तो यहाँ पे आपको 15 साल मल्टीप्लाई करके 7.5 लाख रुपीज़ आपके बनते हैं। और एक फिर दूसरा 21 से 30 साल के बीच में आपको हर 1,000 रुपये 55 रुपये मल्टीप्लाई होके मिलते हैं, क्योंकि 21 से 30 साल यानी 10 साल का टाइम हुआ तो आपको 10 में मल्टीप्लाई करके 15.5 लाख रुपीज़ मिलते हैं। यानी टोटल आपको जो मैच्योरिटी मिलती है वो सबसे पहले आपका 10 लाख का सम एश्योर्ड है, फिर 7.5 लाख रुपीज़ आपको जो एडिशन मिल रहा है, फिर प्लस 5.5 जो दूसरा एडिशन मिल रहा है, और उसके अलावा आपको जो 1.5 लाख रुपए 3 बार मिल चुका है वो 4.5 लाख रुपीस मिला के, यानी 23 लाख तो आपको एडिशन प्लस आपका सम एश्योर्ड मिला है। उसके बाद
4.5 लाख रुपीज़ जो आपको मनी बैक की तरह मिला था, 3 बार 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख वो ऐड होके टोटल आपको 27.50 लाख मिला है। तो ये सारे आपके गारंटेड हैं। और डेथ बेनिफिट की बात करें तो आपको सम एश्योर्ड पर 125% का गारंटेड एडिशन प्लस साथ में मिलता है। और जो जितने साल और डेथ बेनिफिट की बात करें तो आपको सम एश्योर्ड का 125% मिलेगा प्लस गारंटेड एडिशन मिलेगा जितने साल भी पॉलिसी चली हो उसके हिसाब से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन।